पहले था कि सबको लगता था ये बड़े लाउड होते हैं पंजाबी, जोक्स छोड़ते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पर नहीं, पंजाबी ऐसे नहीं होते। पंजाबी अभी पता चला लोगों को कि गुरु रंधावा भी पंजाबी है, हार्डी संधू भी पंजाबी है, जस्सी गिल भी पंजाबी है, दलजीत भी पंजाबी है, बादशाह बाजी हनी सिंह भी पंजाबी है, पंजाबी ऐसे भी होते हैं। Jassie, welcome Hi. To Film Companion. Thank you so much. I have 10 questions for you today. The last I checked, 25 million views on your song, Nikle Currant. Congratulations. Thank you so much. Let's Thank start you. With the song. Can we hear it? Oh, sachi sachi das main ton ki palde hain, gaddi ch gulab chakhi firda. Gulab nahi ho kalla tere piche gori hai, main ta sir te Punjab chakhi firda. Ve kudiyan de koke milde. ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਜੈਗੁਆਰ ਚੋਣੀ ਤੱਕ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੋਰੀ ਏ ਨਿਕਲੇ ਕਰੰਟ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਜਾਊ ਸੋਹਣਿਆ ਬਲੈਕ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਾਣਦੀ ਨੀ ਹੱਲੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ये गाना आपने एक साल पहले रिकॉर्ड किया था। Why have you hidden this song for us for so long? नहीं, मैं तो चाहता था उसी दिन रिलीज कर दूं जिस दिन मैं स्टूडियो से निकला था। मुझे इतना अच्छा लगता था ये गाना कि मैं स्टूडियो से बाहर निकला, मैंने उसको बोला मुझे ये जल्दी जल्दी मेरे फोन में डाल ताकि मैं गाड़ी में सुन सकूँ। और 2 घंटे लगते हैं चंडीगढ़ जाने के लिए सुखी के स्टूडियो से, तो मैंने वहाँ से लगा के रिपीट लगा दिया था। और मुझे ये था कब ये गाना है। और नेक्स्ट वीक मैं नेहा के पास आ गया था यहाँ रिकॉर्ड करने के लिए, और उससे नेक्स्ट वीक हम थाईलैंड चले गए शूट करने के लिए। अच्छा, इतनी जल्दी में थे, पर भगवान को मंजूर नहीं था ये। बारिश आ गई उस दिन जिस दिन हम शूट कर रहे थे, सारा क्रू वहाँ गया हुआ था, सब वापस आ गए और नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी चलो करते हैं थोड़ा अभी टाइम ले लेते हैं, रुक के करेंगे। फिर नेहा के पास डेट्स नहीं थी, मेरे पास डेट्स नहीं थी, शूट चल रहा था। पूरे एक साल बाद अभी 2 महीने पहले हमने एक दिन निकाला जिस दिन हमने सोचा कि आज हमने शूट करना है। एक साल लगा तो वो 2 दिन का शूट बाकी था, एक दिन में किया, करने के बाद फिर गाना रिलीज किया। आप गेज कैसे करते हो कि आपका गाना हिट है कि नहीं है, आपका ये कैसा, हाउ डू यू गेट टू नो वेदर द सॉन्ग? यूट्यूब व्यू से तो बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, यूट्यूब व्यू से तो आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सा गाना हिट है। गाना हिट तब पता चलता है जब आप किसी पार्टी में जाते हो, अगर आपका डांस नंबर है तो पार्टी में चल रहा है, और गाना पता चलता है लोगों के रिस्पॉन्स से जब आप लाइव शो में जाके गाना शुरू करते हो। जब आप गाना शुरू करते हो लोग आपके साथ लिप सिंक कर रहे हैं, आपके साथ गा रहे हैं, तो वहाँ पता चलता है कि गाना आपका हिट है। स्टेज शो पे जाते हो आप बोलते हो कि ये तो सुना नहीं होगा किसी ने, फिर आपको आगे से बोलते हैं लोग कि ये गाना सुना, तब पता चलता है। वैसे मुझे लगता है कि और कोई फंडा नहीं है कि यूट्यूब व्यू से आप थोड़ा बहुत आइडिया कर सकते हो आप कि ये फेमस है, अगर जेन्युइन व्यूज हैं तब, अगर फेक हैं तो फिर कुछ नहीं बोल सकते, फिर तो कोई भी गाना बड़ा दिखा सकते हैं। आपके सारे फैंस, दे वांट टू नो फ्रॉम यू, डू यू रीड योर यूट्यूब कमेंट्स? यूट्यूब कमेंट्स नहीं बोल सकते, पर मैं ट्राई करता हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम के जो कमेंट्स हैं वो देखता रहा। यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे बहुत कमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप जब बैठते हो कई गाने के रिलेटेड आपको डिप्रेस कर देते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसलिए नहीं जाता, मैं लो होने नहीं जाता, मुझे लगता है मैंने काम कर दिया, जो कर दिया तो कर दिया, अभी मैं ये देखूं जाके कि लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में फिर मज़ा नहीं आएगा। मैंने किया है तो अच्छा सोच के किया होगा, अगर मैंने रिलीज़ किया उसको वहाँ तो मैं ये सोच के रिलीज़ करता हूँ, उसके बाद मैं यूट्यूब पे कमेंट नहीं पढ़ता। हाँ, मैं अपनी पोस्ट के नीचे और अपने हैशटैग ज़रूर चेक करता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि और कि जो मेरे फैंस हैं जो प्यार करते हैं किसी को भी, मेरे तक पहुँचने उन तक उनके तक पहुँचने का कोई और माध्यम नहीं है, तो हैशटैग से क्या होता है, हम जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए अच्छा आपके लिए बनाते हैं कुछ, तो हैशटैग के साथ मेरे पास पहुंच जाता है। मैं कभी भी इंटरव्यू करता हूं, मैं कभी भी डालता हूं, तो मैं बोलता हूं हमेशा कि जब भी आपने कुछ मेरे लिए पोस्ट करना है हैशटैग जस्सी गिल डाल देना इंस्टाग्राम पे, मैं चेक करता हूं। आपके सबसे ज्यादा व्यूड सॉन्ग कौन सा है? बापू जिम्मेदार आते हैं। कितने व्यूज हैं? एग्जैक्ट नहीं पता, पर मुझे लगता है 150 से ऊपर है। वाओ, हां सुनाएंगे? ओ मैं ता चेतक लिया सी पल्ले अट के, बेबे जी दे मूरे हाड़े कड के, सुनया लेंसरों ने लै ली एक टाइम वाली रोटी जही छड के, रब्बा एडा वड्डा फासला क्यों साडे विचकार, ओह डैडी जी दे कैशी उत्ते करी जावे ऐश, बापू जी मीदार कित्थों लैके देवे कार, ओह डैडी जी दे कैशी उत्ते करी जावे ऐश, बापू जी मीदार कित्थों लैके देवे कार। अभी इस गाने की स्टोरी है, ये गाना YouTube पे अभी जाके मुझे लगता है 100 मिलियन हुआ होगा अभी जाके। और जब मैंने ये गाना बनाया था, मैंने ये सोच के नहीं बनाया था कि ये पंजाब के बाहर चलेगा, मैंने सोचा ये पंजाब में चल जाएगा ठीक है, पर ये गाना दिल्ली में भी चल रहा है, मुंबई में भी चल रहा है, गोवा में भी चल रहा है, हर पंजाबी पार्टी में चल रहा है। तो अभी आप अपने अंदाज़ा लगा लो, YouTube व्यू से आप इस पॉपुलरिटी काउंट नहीं कर सकते गाने की, कोई भी गाना निकल सकता है। जैसे वो दारू बदनाम करती, वो 2016 में बना था वो गाना, किसी ने नहीं सुना,
वो अभी जाके निकला है तो अभी वो गाना निकल रहा है, सब सुन रहे हैं, सब पार्टी कर रहे हैं, अभी हर पार्टी में वो चल रहा है। मुझे लगता है कि कोई यूट्यूब के व्यूज का कुछ फंडा नहीं है, गाना अच्छा है जब मर्जी निकल सकता है, वो आज निकल सकता है, दो साल बाद भी निकल सकता है। मुझे आपसे जाना है, आज की जो टाइम एंड एज में है, एक सक्सेसफुल रॉकस्टार बनने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है? पहले तो गाना, अच्छा गाना होना बहुत जरूरी है, और स्टाइल वाइल बाद में, पहले गाना, क्योंकि स्टाइल तो ये है कि जब आपका अगर गाना नहीं आता आप रॉकस्टार उसके बिना पूरे नहीं हो। गाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत गाना होना जरूरी है। हाँ, फिर उसके बाद स्टाइल जरूरी है। आज के टाइम पे वीडियोस में दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ज़्यादा फॉलो तभी करते हैं आपको अगर आप अच्छे देखते हो, आप उनको लगता है कि आप इसके जैसा आपके स्टाइल को फॉलो करते हैं या आपको देखते हैं वीडियोस में। अभी ज़्यादा हो गया, पहले थोड़ा कम था, पहले ये था कि गाना सुनते हैं लोग, एंजॉय करते हैं, अभी हर एक चीज़ काम करते हैं। तो मुझे लगता है गाना, दिखने में कैसा है बंदा और सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है ये भी ज़रूरी है। हाँ। कैसी पिक्चर्स डालता है ये ज़रूरी है, और ये चीज़ें मुझे लगता है लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। इसके बिना अगर आप इस पर एक्टिव नहीं हो तो मुझे लगता है आपका आधा काम नहीं है। हाँ? अगर ये जरूरी है, आप ये मुझे लगता है यूट्यूब पे डालोगे। हाँ, हाँ फिर सोशल मीडिया तो जरूरी है आज के टाइम। व्हाट्स द क्रेजीएस्ट थिंग अ फैन हैज डन फॉर यू? मतलब ऐसा कुछ पागलपंती तो नहीं मुझे याद होगी, पर हाँ ऐसे जरूर कि स्टेज पे आ जाता है कोई ना कोई, कोई हाँ ऐसे हो जाता है। पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मुझे घर पे कोई स्केच बना के भेजता है मेरा, कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है, कहीं पे भेजता है, क्योंकि मुझे लगता है आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि अपने आप को अच्छे से देख सकूँ या अपने आप के लिए कर सकूँ। मैं दवाइयाँ लेनी भूल जाता हूँ कभी, कई बार ऐसा होता है कि जो मुझे पता है कि मैंने लेना। लोग आपके लिए अगर टाइम निकाल के अपने हाथ से मेहनत करके इतना टाइम लगा के आपके लिए कुछ भेजते हैं तो उसमें बड़ी खुशी होती है मुझे। सबसे अच्छा लगता है जब कोई मुझे कार्ड बना के भेजता है अपने हाथ से और कुछ क्रिएटिव चीज़ बना के भेजता है जो वो अपने हाथ से बनाता है, चाहे पेंटिंग होगी, स्केच हो गया, चाहे वो कार्ड हो, कोई चीज़ें होगी, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। लेटर्स होगी, मैं बहुत पढ़ता हूँ। इस वक्त आप पंगा के बारे में क्या बता सकते हो? पंगा के बारे में ये बता सकता हूँ कि ये लुक मेरी उस फिल्म में थोड़ी छोटी सी लुक है जो मैं अभी जिसमें बैठा हूँ, ये दाढ़ी नहीं है उसमें मेरे, और उसमें तीन चार लुक्स हैं, उसमें से एक लुक ये, और मैं कंगना का हस्बैंड हूँ और वो कबड्डी के ऊपर बेस्ड फिल्म है और फैमिली की फिल्म है, और आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक अच्छी फिल्म है जी, इतना बता सकता हूँ। और अभी शूट चल रही है ना? नहीं, शूट शुरू होना है, नवंबर 9 से शुरू होना है, और कल एक दो चीज़ें थे, लुक टेस्ट था उसके लिए सब करके देखा था उन्होंने, तो ये अभी मैं थोड़ा इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे यह था कि मेरे इंटरव्यू करनी पड़ेगी अभी सारी, पर चलो अभी काम कर रहे हैं तो जो काम अगर पकड़ लिया तो चलेगा अभी। एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म बताइए जिसको देख के आपको लगा कि यार मैं तो ये अच्छे से कर पाता। मुझे ना स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, और ये और इंस्पिरेशनल फिल्म्स बड़ी अच्छी लगती हैं, जिससे मुझे लगता है कि अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार ये सही है, कुछ सिखाया है इसने। तो दंगल होगी, थ्री इडियट्स होगी, ऐसी फिल्में होगी, पर कहीं ना कहीं मैंने ये भी सोचा कि जो चीज़ जो करता है जिसके लिए हुई होती है वही उसको बेस्ट कर सकता है, तभी होता है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। जैगुआर गाना आपने सुना होगा, कुड़ी के दी, वो गाना मेरे पास आया, सुखी ने मुझे भेजा कि पाजी ये गाना कर लो, मैंने बोला नहीं मैं गब्बरू करूँगा, मेरे पास उस टाइम गब्बरू गाना था, और उसने एक और सिंगर को भेजा, अपने माना परवाना बंदा है वो, उसको भेजा, उन्होंने बोला कि नहीं मैं भी गब्बरू करूँगा, तो वो उन्होंने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, और वो 1.5 साल बाद सुखी ने कर दिया, और सुखी ने किया, सुखी उसके साथ कितना बड़ा नाम हो गया, और वो गाना आज तक पार्टीज में चलता है। तो जो चीज़ जो करता है उसी के लिए बनती है, और मुझे लगता है उससे अच्छा हाँ डेस्टिनी बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड में एक स्टीरियोटाइप होता है पंजाबी लोगों को जैसे दिखाते हो, व्हाट वाज दिस, व्हाट वुड यू लाइक टू ब्रेक अबाउट द स्टीरियोटाइप, व्हाट डू यू वांट टू टेल पीपल कि यार हम सब ऐसे नहीं है। वो हो गया ऑलरेडी दलजीत पाजी ने कर दिया है, वो मैंने भी इस फिल्म में सरदार का रोल किया है। हाँ। हैप्पी फिर भाग जाइए मैंने किया, तो पहले था कि सबको लगता था ये बड़े लाउड होते हैं पंजाबी, जोक्स छोड़ते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पर नहीं पंजाबी ऐसे नहीं होते। पंजाबी अभी पता चला लोगों को कि गुरु रंधावा भी पंजाबी है, हार्डी संधू भी पंजाबी है, जस्सी गिल भी पंजाबी है, दलजीत भी पंजाबी है, बादशाह बाजी हनी सिंह भी पंजाबी है, पंजाबी ऐसे भी होते हैं। थैंक यू फॉर चैटिंग विद अस। हाय, मैं हूँ जस्सी गिल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, और शेयर कर सकते हो।